हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो एक अमेज़न हॉल होने वाला है। और आज के हमारे हॉल वीडियो में सारा का सारा किचन से रिलेटेड सामान होगा, क्योंकि सभी को पता है कि सेल चल रही थी, हर एक प्लेटफॉर्म पे सेल चल रही थी। तो उस सेल का हमने भी फ़ायदा उठाया, बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये हॉल वीडियो, और लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सामान आने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो ये एक सेलो का कैसरोल है, और ये कैसरोल काफ़ी लाइट वेट सा कैसरोल है। पहले तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये वाइट कलर में मैंने खरीदा है और काफ़ी लाइट वेट सा कैसरोल है। कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है इवन। और इसमें कलर ऑप्शन भी कई सारे अवेलेबल थे, और इसमें ब्लू कलर था, इसमें पिंक कलर था, और इसकी कॉस्ट भी मुझे डिस्काउंट के बाद काफ़ी सस्ती पड़ी है। मैं मेंशन भी कर दूँगी तो आप पे स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा कि मुझे एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितनी पड़ी है। वैसे इस पर जो कॉस्ट मेंशन है, इस पर जो कॉस्ट है वो 442 मेंशन है, और मुझे ये आई थिंक ज़्यादा तो इस पर डिस्काउंट नहीं था, बट हाँ 430 के अराउंड मुझे पड़ा है। तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो बाय भी कर सकते हैं। और इसमें कैपेसिटी के भी बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, इवन कलर के भी ऑप्शन हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिंक से डायरेक्ट अमेज़न की साइट पे इसको चेक भी कर लेना। तो दूसरा जो मैंने ऑर्डर किया है प्रोडक्ट वो ये एक हैंडी चॉपर है, और ये पिजन कंपनी का है। पिजन कंपनी का एक्चुअली हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पिजन कंपनी का ऑर्डर किया है। और ये एक्सेल साइज में मैंने ऑर्डर किया है, और इसमें काफ़ी सारे साइज भी अवेलेबल थे, एक स्मॉल साइज भी है इसमें। मैं पहले ओपन करके दिखाती हूँ आपको। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये 5 ब्लेड वाला मैंने ऑर्डर किया है। इसमें आप इजीली चॉप कर सकते हो, अगर अनियन चॉप करनी है, टोमेटो चॉप करना है, बहुत इजीली इसमें चॉप हो जाते हैं। और इसमें मुझे 2 ऑप्शंस मिले हैं, एक तो ब्लेड्स मिला है और एक ब्लेंडर के भी लिए मुझे एक इक्विपमेंट सा दिया है। उससे इजीली आप दही अगर ब्लेंड करनी है या कुछ भी ब्लेंड करना है वो इजीली इसमें हो जाएगा। और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, इजीली आप इसे डिसमेंटल भी कर सकते हो, इजीली आप इसको लगा भी सकते हो, और काफ़ी इजी है ये यूज़ करने में। मैं ओपन भी आपको करके दिखाती हूँ। मुझे एक ये 5 प्लेट्स का सेटअप है जो चॉप करने के लिए यूज़ होता है, और सेकंड ये है ब्लेंडर के लिए। तो इससे इजीली ब्लेंड हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है इस पर जो प्राइस मेंशन थे वो 745 मेंशन है, और मुझे डिस्काउंट के बाद 356 का मिला है। तो काफ़ी अच्छी डील क्रैक करी है इस वाले केस में मैंने। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसको, और काफ़ी इजी हो जाता है काम किचन का इससे। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो ये 3 का कॉम्बो सेट था। इसमें एक विस्कर मुझे मिला था, और एक मैशर है, और एक स्टेनर है। और ये तीनों के तीनों ही स्टेनलेस स्टील क्वालिटी के हैं, और काफ़ी लाइट वेट है, और काफ़ी इजी कर देते हैं आपके किचन के काम को। तो आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो इवन आप बाय भी कर सकते हो। और ये डिस्काउंट के बाद मैंने 499 इसमें रेट्स मेंशन थे, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। इसमें 499 रेट्स मेंशन थे, और मुझे डिस्काउंट के बाद ये 269 के मिले हैं तीनों के तीनों कॉम्बो सेट। तो आप एक बार चेक जरूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। अब मेरा जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो एक डोसे का तवा है, और वो क्वालिटी वाइज और पूरी मतलब उसकी पैकिंग भी इतनी अच्छे से होकर आई है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये मैंने नेक्स्ट जो है फ्यूचुरा का नॉन स्टिक डोसा तवा ऑर्डर किया था, और काफ़ी अच्छी डील मिली है मुझे इसमें भी। साइज़ इसका एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, 33 सेंटीमीटर का ये साइज़ है इसका, और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है इसकी। मैं ओपन करके दिखाती हूँ पहले आपको। तो ओपन मैंने कर दिया ये, और इसके साथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं। आप इवन देख सकते हो कितना हैवी है ये साइज़ में भी, और इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस पर जो प्राइस मेंशन है वो आप देख सकते हो इवन।
और मुझे ये डिस्काउंट के बाद आई थिंक 1500 कुछ का मिला है। इसके साथ जो मुझे बाकी चीज़ें रिसीव हुई हैं, ये बुकलेट है और ये स्क्रबर रिसीव हुआ है और एक ये कर्ची रिसीव हुई है। और वैसे ना हमेशा नॉन स्टिक के साथ वुडन की ही हमें कर्ची यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज स्क्रैच आ जाते हैं तवे पे। तो ये काफ़ी हैवी मटेरियल है, इसका काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इवन आप देख भी सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली बाय जरूर करना इसको। तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो ये एक अमेजोन की ब्रांड है सोलिमो, उसका ये लेमन स्क्वीज़र है। मैं ओपन करके दिखाती हूँ पहले तो आपको, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये भी स्टेनलेस स्टील का है, मैं पास से भी इवन आपको दिखाती हूँ। और काफ़ी लाइट वेट ये प्रोडक्ट है। इस पर जो प्राइस मेंशन है वो 225 मेंशन है और मुझे ये डिस्काउंट के बाद 179 का मिला है, और काफ़ी मतलब कम रेट पे मिल गया ये मुझे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बाय भी कर सकते हो इसको। ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने मंगाई है ये फ्यूचरा का रोटी तवा मंगाया है, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इवन मैं इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं पहले ओपन करके दिखाती हूँ आपको, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। इवन इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है और मतलब काफ़ी मजबूत भी है ये। ये मैंने इंडक्शन पर्पज़ से भी ऑर्डर किया है। इसके साथ मुझे 5 ईयर वारंटी ये कार्ड रिसीव हुआ है और एक ये बुकलेट भी रिसीव हुई है। और इस पर जो प्राइस मेंशन है वो 1150 मेंशन है, और जबकि मुझे उस इस प्राइस से कम रेंज में मिला है। एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी आपको कि ये इसका जो मटेरियल है ना, इस पर इवन मेंशन भी है यहाँ पे हॉकिंस के ना कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हार्ड एनोडाइज प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। ये नॉन स्टिक से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है उनकी, क्योंकि नॉन स्टिक में कई बार क्या होता है कर्ची लग लग के उसका नॉन स्टिक टेस्ट खत्म भी होने लगती है और उतरने भी लगती है, जो कि हार्मफुल भी होता है क्योंकि वो हमारी खाने के साथ इवन हमारी बॉडी में भी जाती है। तो नॉन स्टिक से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ये है। मैं इवन इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बाय किया है, आप सोचोगे मैंने इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बाय किए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट किचन का सारा सामान अपग्रेड कर दिया और काफ़ी मतलब सारे के सारे हॉकिंस कंपनी के हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और नॉन स्टिक हैं सारे के सारे, और इंडक्शन पर्पज़ के लिए भी मैंने ऑर्डर किया है। और ये दो साइज मैंने ऑर्डर किए हैं इस कढ़ाई के, एक 4 लीटर में ऑर्डर किया है, एक 2.5 लीटर में किया है। तो मैंने ये दो डिफरेंट साइज इनके ऑर्डर किए हैं, एक 4 लीटर का ये वाला है और 2.5 लीटर में ये वाली है। इनकी दोनों की डेप्थ भी इवन काफ़ी अच्छी दी हुई है और थिकनेस और क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। और इसके साथ जो मुझे सामान रिसीव हुआ है वो एक ये कर्ची रिसीव हुई है, इसका ये वारंटी कार्ड रिसीव हुआ है, और ये स्क्रबर रिसीव हुआ है। और ये वाला मैंने विदाउट लीड ऑर्डर किया था, दूसरे वाला मैंने विद लीड ऑर्डर किया था। मैं उसका लीड भी दिखाती हूँ कि किस क्वालिटी का है। ये बड़े वाले जो 4 लीटर वाला है उसके साथ ये लीड भी आया है, इवन इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हैं और थिकनेस भी दोनों ही काफ़ी अच्छी है, आप इवन देख सकते हो दोनों ही नॉन स्टिक है। दोनों का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप चेकआउट जरूर कर सकते हो डायरेक्ट लिंक से। तो नेक्स्ट मैंने ये हैंडी कटिंग सीजर ऑर्डर करी थी, और पहले मैं ओपन करके दिखाती हूँ सीजर आपको। ये 5 ब्लेड वाली सीजर है, इसमें आप देख भी सकते हो कि 5 ब्लेड्स लगे हुए हैं। इसके साथ मुझे एक ये क्लीनिंग के लिए टूल रिसीव हुआ है, और ये सब्जी कटिंग के लिए वेजिटेबल कटिंग के लिए काफ़ी ईजिली काफ़ी सारी सब्जी एक साथ कट सकती है इससे, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये भी स्टेनलेस स्टील मटेरियल में ही है, मैं इवन आपको एक बार पेपर काट के दिखाती हूँ। एक बारी में पांच बार एक बारी में ऐसे सब्जी कट जाएगी इससे, तो काफ़ी ईजी हो जाता है सब्जी काटना भी इससे। तो काफ़ी एक्चुअली काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी हो गई है किचन में ऐसे ऐसे टूल्स इन्वेंट होने से, और काम भी काफ़ी ईजी हो गया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और ये भी आप बाय कर सकते हो।
तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो ये चाय छानने वाली छन्नी है, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मजबूत भी है। ये मुझे दो के कॉम्बो में मिली है, इवन सिंगल भी अवेलेबल थी बट मुझे दो की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने दो ऑर्डर करी है। इसके इस पर जो प्राइस मेंशन था वो 300 था और मुझे डिस्काउंट के बाद 188 की मिली है, तो काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी इवन काफ़ी अच्छी है ये, इवन आप पास से भी देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसको। मैंने एक ये शार्पनर ऑर्डर किया है, ये नाइफ को शार्प करने का शार्पनर है, और कई बार क्या होता है हम लोग रेगुलर यूज़ करते रहते हैं नाइफ्स, तो उनकी जो धार बोलते हैं उसको धार बहुत हल्की हो जाती है, तो ये जो शार्पनर ऑर्डर किया है इससे आप घर में ही उसकी धार को ना तेज कर सकते हो। इसमें ये जो कटर्स दिए हुए हैं इसमें आप अगर उनको रब करोगे तो काफ़ी तेज़ हो जाती है, और ये भी मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिला है, और इसका जो मटेरियल भी है इवन वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक जरूर कर सकते हो ये प्रोडक्ट भी। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इन्वेंट हो गए हैं और किचन के काफ़ी सारे काम काफ़ी ईजी हो गए हैं। तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो ये एक नाइफ का सेट है, और ये 6 पीसेस का सेट है। मैं इसको ओपन भी आपको करके दिखाती हूँ, इवन एक इसमें पीलर है बाकी 5 इसमें नाइफ्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नाइफ्स मुझे रिसीव हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें पूरे 6 सेट ऑफ नाइफ्स हैं और एक पीलर भी मुझे रिसीव हुआ है, और डिफरेंट साइज के इसमें नाइफ्स हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये प्रोडक्ट निकला है मेरा। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। इसके ये जो नाइफ्स हैं ये इतने शार्प हैं कि मैं आपको दिखाते दिखाते ही इसमें मेरा हाथ भी इवन कट गया तो काफ़ी शार्प नाइफ्स दिए हुए हैं इसमें, और क्वालिटी वैसे इनकी काफ़ी अच्छी है, तो आप चेक जरूर करना। तो मैंने नेक्स्ट जो सामान ऑर्डर किया है वो ये हांडी का सेट है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने विद लिड ऑर्डर किया है, इसमें दोनों ही ऑप्शन थे, विदाउट लिड भी था विद लिड भी था, तो मैंने ये विद लिड वाला ऑर्डर किया है। इसका जो प्राइस मेंशन था वो 1500 के अराउंड मेंशन था, और मुझे डिस्काउंट के बाद 770 का मिला है, मैं इसका प्राइस भी इवन शो कर दूंगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, ये सबसे छोटा साइज है इसका, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा साइज, ये पूरा 5 का सेट मैंने ऑर्डर किया है, और क्वालिटी भी इवन इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं एक ओपन भी करके दिखाती हूँ आपको। तो इसकी क्वालिटी भी इवन काफ़ी अच्छी दी हुई है, और साइज वेट वाइज भी काफ़ी हैवी है ये, और डेप्थ भी इवन इसकी काफ़ी अच्छी है, इवन आप देख भी सकते हो पास से भी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, और काफ़ी सही रेट पे मुझे मिल गया था ये, और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक भी कर सकते हो वहाँ से। तो नेक्स्ट और लास्ट जो प्रोडक्ट है वो ये हॉकिंस का कुकर ऑर्डर किया था मैंने, और ये 3 लीटर का कुकर था, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस पर जो प्राइस मैंशन है वो 2125 है, और मुझे ये डिस्काउंट के बाद 1850 समथिंग का मिला है, और काफ़ी अच्छी डील इसमें पैक हुई है, और ये भी हार्ड एनोडाइज, इसकी भी इवन मेंशन भी है हार्ट एनोडाइज बॉडी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। इसकी डेप्थ भी इवन काफ़ी अच्छी दी हुई है इन्होंने इसमें, और काफ़ी हैवी है ये वेट वाइज भी। तो ओवरऑल काफ़ी इस बार मैंने अमेजोन से काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स क्रैक करी है, और काफ़ी सारा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, क्योंकि डिस्काउंट भी था और सेल भी चल रही थी, तो मौके का फ़ायदा उठाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सारे के सारे अपने किचन के जितने भी कुकवेयर हैं सब अपग्रेड कर दिए, और सारे ही इवन अच्छी कंपनी के हैं। तो यहीं तक था मेरा ये वाला हॉल, और आई होप कि ये वाला हॉल आपको पसंद आया होगा, और मैं सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको इवन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो, और आपको पसंद आया तो आप डेफिनेटली वहाँ से बाय भी कर सकते हो। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट अब भी ऐसे हैं जिन पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चेकआउट जरूर करना, क्या पता आपको और अच्छी डील मिल जाए। तो मिलता है फिर किसी दिन नई हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।